यस यस सर। सर। ओके सर, क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ? देखो तो। यस सर, हुआ? अच्छा, हाँ सर, हो गया। ठीक है। ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, अच्छा तो कंपनी लॉ जो क्लास चल रहा है ये फ्राइडे को, तो कंपनी लॉ में सर, कंपनी लॉ में आज हम लोग सर इंट्रोडक्शन एरिया में बात कर रहे हैं। तो कंपनी लॉ इंट्रोडक्शन एरिया में जो बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ भी आप लोग बोल सकते हो, ऐसे फाउंडेशन लेवल जो होता है सर, चाहे CA, CS, CMA, हर जगह में बेसिक लेवल गुड फाउंडेशन में इवनिंग होता है। गुड इवनिंग विश्वजीत, ठीक है। बट जैसे आप इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव में पहुँचते हो, कंपनी लॉ का एक्सटेंडेड पार्ट आप लोगों के लिए होता है और जो बहुत डिटेल्स में होता है। बट यस, टू अंडरस्टैंड दी ऑल दी डिटेल्स ऑफ कंपनी लॉ आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझना है। सिंपल बात है ना सर, कि किसी भी चीज़ का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट वीक हम लोगों ने कंपनी लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसमें हम लोगों ने क्या किया था सर, कि कंपनी लॉ क्या है, क्यों बनाया गया है, इसका बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, क्या क्या हमें कंपनी लॉ में जानना है उसका एक फ्लो चार्ट देखे थे, है ना सर। और फ्लो चार्ट देखने के बाद कंपनी लॉ, कंपनी क्या है, कंपनी लॉ का फीचर्स क्या है, ठीक है, कंपनी लॉ में कितना सेक्शंस है, कब बनाया गया है, ठीक है, कब से इनेक्टेड हुआ है, ये जो एरिया है ये डिस्कस किए। शुभश्री, गुड इवनिंग शुभश्री। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो लास्ट वीक फीचर्स में भी पूरा बात कर चुके थे। फीचर्स इन द सेंस, जैसे आप लोगों को याद होगा कंपनी का जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, कंपनी का जो परपिचुअल सक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट है, कंपनी का जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वाला कॉन्सेप्ट है, याद आ रहा है सर? कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, हाँ याद आ रहा है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपिचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो ये जो एरिया मैं बात कर रहा हूँ ये कंपनी का फीचर्स है। उसी फीचर्स के अंदर एक स्पेशल पॉइंट था सर, अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। ऐसे सारा पॉइंट स्पेशल होता है सर, सारा का सारा पॉइंट स्पेशल होता है, बट वन पॉइंट इज सीरियसली वेरी वेरी स्पेशल। कौन सा बोलो तो? कंपनी अलग और उसका मेंबर अलग। दैट इज, मैं कौन से पॉइंट में बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है ना? सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ बोलो सर, बोलो। लिस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ तो होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ तो मैं बताऊँ, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, जिसके कारण कंपनी और उसका मेंबर अलग होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी को एक पूरा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दिया जाता है लॉ में। ऐसे कंपनी को बनाने वाले कौन है? कंपनी को बनाने वाला है लॉ। कंपनी को मिटाने वाला कौन है? लॉ। हाँ, तू ही बनावे तू ही मिटावे, कौन? लॉ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एक केस स्टडीज हुआ था। ऐसे केस स्टडीज तो चलता रहता है, आप लोग जानते हो लॉ में हर क्लास में केस स्टडीज। लास्ट वीक जो केस, मतलब लैंडमार्क केस है सर, जब जब कंपनी का बात होता है, जब जब कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है, जब जब डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, डिस्टिंक्ट मतलब कंपनी अलग, मैंने बनाया फिर भी मेरा कंपनी मेरे से अलग है, मैंने बनाया मेरा कंपनी मेरे से अलग है, अंबानी ने बनाया उसका कंपनी उससे अलग है, सर ये तो मुश्किल है। हाँ सर, मुश्किल का कोई बात नहीं है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस इस मैटर का सबसे बड़ा पुख्ता है, सबसे बड़ा सबूत है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। तो ये जो सोलोमन एंड सोलोमन का केस जो लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ विश्वजीत कुछ बोलेगा क्या? ओके, तो ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन का जो केस लॉ हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था, जो कंपनी का डिस्टिंक्ट मतलब आइडेंटिटी के कारण या सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण सोलोमन अपने ही कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा था, अपने ही कंपनी में डिवेंचर होल्ड कर रहा था, वो भी चार्ज वाला। हाँ सर, वो भी चार्ज वाला, मतलब अपने ही कंपनी के एसेट्स पे अपना चार्ज बना दिया। चार्ज बना दिया मतलब अगर फ्यूचर में कभी कंपनी बंद होता है, लिक्विडेट होता है, जो सोलोमन का कंपनी में हुआ है। सोलोमन के कंपनी में, सोलोमन का कंपनी इंग्लैंड का केस है, कंपनी बंद हुआ था और जैसे ही कंपनी बंद हुआ वो बोला कि भाई मैंने कंपनी पे डिबेंचर दिया था
और कंपनी के एसेट्स पे मेरा ही हक है। इसमें मुश्किल में कौन पड़ गया था सर? क्रेडिटर। हाँ, जो सोलोमन छोड़ गए मार्केट में और भी बाकी कुछ आउटसाइडर इन्वेस्टर, मतलब क्रेडिटर थे, इन्वेस्टर नहीं क्रेडिटर थे, जो सोलोमन की कंपनी में या तो रॉ मटेरियल सप्लाई किया था या तो लोन दिया था, किसी भी हालत में वो कंपनी का क्रेडिटर बना था। इनका ऑब्जेक्शन था कि सोलोमन एक वन मैन कंपनी में, वही मैनेजर है, वही कंपनी का मालिक है, वही मैनेजर है, वही कंपनी का मालिक है, ऐसे केसेस में ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। किसका आपत्ति था? क्रेडिटर्स का आपत्ति था। क्रेडिटर्स ने बेसिकली आवाज़ उठाया था कि सोलोमन जो कर रहा है, सोलोमन का बिजनेस के एसेट्स पे, एटलीस्ट डिबेंचर पार्ट पे, एसेट पार्ट पे नहीं, मतलब इक्विटी शेयर वाला पार्ट की बात नहीं कर रहे, जो डिबेंचर वाला पार्ट था उस पार्ट को लेकर डिस्कस हो रहा था। चलो सर एक काम करते हैं, सर मैं आज फिर से आप लोगों को सोलोमन इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सोलोमन का जो कहानी है ना, ये केस लॉस का जो कहानी है, ये कहानी आपको आज और एक नया चीज़ सिखाएगा, ठीक है, और साथ में और भी कुछ केस लॉस होगा, साथ में और भी कुछ केस लॉस होगा। तो चलो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और सोलोमन का कहानी का अंत तक पहुँचते हैं। इस कहानी का स्टार्टिंग तो आपने देखा, इस कहानी का मैटर आज समझेंगे और इस कहानी का मतलब डिसीजंस मेकिंग के बाद क्या हुआ है वो भी आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलो सर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, इतना मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। कंपनीज एक्ट में बहुत कुछ जानना है, बट बहुत कुछ जानने के लिए आपको बेसिक लेवल में इस चीज़ों में पूरा पकड़ होना चाहिए। किस चीज़ों में? जैसे कि एक सेकेंड सर, जैसे मानो जैसे मानो कि आपको कंपनी का जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ बस आप लोगों से, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, ये आज का सबसे हॉट डिस्कशंस रहेगा। उसके बाद क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, जो आगे का चर्चा यही रहेगा सर, इसमें बहुत वाइटल डेफिनेशंस आपको सिखाया जाएगा। एंड आफ्टर दैट कंपनी बनते कैसे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, सिंपल बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्पेशली, एज ए CMA ऑल्सो, आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका होता है कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो काम होता है इसमें आप बहुत अच्छा करते हो, और एक्चुअली इन्हीं के पास पावर और ताकत मिलता है, ठीक है। मेंबर इन नंबर एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कंपनी बनाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। सब चीज़ जानेंगे सर एक एक करके, हाँ हड़बड़ करके कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो हर एक चीज़ में फोकस करेंगे बट धीरे धीरे आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो मैं फीचर्स में बात लास्ट वीक किया था वो फीचर्स तो मैंने लास्ट वीक कर दिया, तो आज एक काम करते हैं सर, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में डायरेक्ट जाते हैं। हाँ सर, क्या बोलते हो? यस, तो लास्ट वीक कर लिए थे तो कॉर्पोरेट वेल्थ पे जाना चाहिए, तो एकदम सर चलो एकदम जंप करते हैं कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में। तो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में पहुँचने से पहले अब एक बार हम लोगों को फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट वेल मतलब कॉर्पोरेट वेल क्या हो गया? सिंपल बात है, ओनर एंड कंपनी के बीच में क्या है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी, पर्दा है ना, ये क्या है, ये पर्दा है, दिस इज वेल, ओके, ओनर एंड कंपनी के बीच का पर्दा। तो ये पर्दा हमें एकदम डिटेल्स में समझ में आ गया था सर सोलोमन का केस में। तो मैं फिर से आपको एक बार सोलोमन का केस याद दिलाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, फिर से एक बार देखो, कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू ए लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, है ना, कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन, ओके, कंपनी कुछ भी करे, ठीक है, कंपनी का कुछ भी करे मतलब कंपनी जो भी करेगा उस पर कंपनी का जो लाइबिलिटी होगा, कंपनी के लाइबिलिटी से वो अपने मेंबर को क्या करेगा सर? शील्ड दे देगा। शील्ड समझते हो ना? अरे शील्ड मतलब, शील्ड क्या होता है? प्रोटेक्ट करना ना सर, तो प्रोटेक्ट समथिंग। यस सर, प्रोटेक्ट करना, थैंक यू सर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही हो जाता है कि किसी चीज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि कंपनी लाइबिलिटी बनाएगा, लाइबिलिटी कौन बनाएगा? कंपनी, और आपको प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब मेंबर को प्रोटेक्ट करेगा। यही कॉर्पोरेट वेल का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है कि
लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन है कंपनी के तरफ से, बट इससे प्रोटेक्शन कौन लेगा? मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, ये वाला तो एंजॉय करेगा ही ना मेंबर्स, लेकिन इसका गलत यूज भी हो जाता है कई बार, तो गलत यूज में बाद में बात करते हैं, ठीक है, मतलब अभी गलत यूज में ही पहले बात करते हैं, बाद में नहीं, बट गलत यूज से बचने के लिए क्या करना है उसमें हम लोग उसके बाद आते हैं सर, पहले गलत यूज देख लेते हैं। लॉ तो बन गया सर, बट उसके बाद गलत यूज, और ये गलत यूज आपको सोलोमन वर्सेस सोलोमन में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अब गलत यूज बोलना भी कितना सही है ये तो लीगली समझा जाता है कि एज पर लॉ, ठीक है, एज पर लॉ सोलोमन ने लॉ वाइज तो कुछ गलती दिख नहीं रहा है ना, जैसे सोलोमन ने क्या किया, तो सिंपल बात है कि इस कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एक्ट जो भी रहेंगे उससे शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन मिलेगा। सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है, ध्यान से फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा चर्चा किया था, पर आज मैं थोड़ा ज्यादा चर्चा करूंगा। देखो सर, सोलोमन वन सोलोमन का जो केस है, बड़ा ही, मैं बोला ना आप लोगों, लैंडमार्क जजमेंटल केस, मतलब जजमेंट केस है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेड डाउन दैट कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इन दिस केस वन सोलोमन इनकॉर्पोरेटेड ए कंपनी नेम्ड सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड विथ 7 सब्सक्राइबर कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, उसका वाइफ, उसकी 4 सन्स एंड 1 डॉटर, ठीक है, 7 मेंबर जो शेयर में सब्सक्रिप्शन मिला, जिनको मिला, तो ये अपने ही बीच में कंपनी का ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस कंपनी टूक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सोलोमन, सोलोमन का जो खुद का पर्सनल बिजनेस एसेट्स था उसको बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, जिसका सोलोमन कितने में ट्रांसफर किया, 38,782 पाउंड पे, एंड इन टर्न सोलोमन को कितना मिला, क्या मिला, इतना एसेट्स के बदले सोलोमन को मिला 20,000 शेयर्स, 20,000 पाउंड का शेयर्स, कितना करके 1 पाउंड ईच, ओके। डिबेंचर जो कंपनी का लोन टाइप्स में होता है, मतलब ऐसे माना जाता है कि आप कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, डिबेंचर मार्केट में कैसे सेल होता है, कैसे इसको खरीदा जाता है, ये सब चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा सर, एकदम प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि किस तरह से होता है डिबेंचर परचेस करना, बॉन्ड परचेस करना, क्या सच में मार्केट में ऐसा होता है, यस एकदम होता है, जस्ट लाइक जैसे शेयर होता है ना, आप कंपनी का डिबेंचर्स भी खरीद सकते हो, ठीक है, इसका अकाउंट्स भी होता है ना सर, आप लोगों को अकाउंटेंसी में सिखाया जाता है, जो मैम आप लोगों को कराते हैं डिवेंचर्स अकाउंट, शेयर्स अकाउंट्स, ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या CSO CMA हो, हर जगह में सीखना पड़ेगा, हाँ थोड़ा कभी CA फाउंडेशंस वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इस सब चीज़ें बोला जाता है, CMA में या CS में इंटर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल में बोला जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा, आगे पढ़ो या पीछे, यू हैव टू नो, आगे पढ़ो या बाद में, जानना आप सभी को पड़ेगा, बिकॉज आप लोग अल्टीमेटली देश का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, उसका बैकबोन हो सर, बैकबोन, ठीक है, अब CA बोलते हैं मैं, हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, चार्टर्ड बोलते हैं मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, CMA बोलता है मैं बड़ा, CS बोलता है मैं बड़ा, कोई कुछ भी बोले सबको ही बड़े हैं, बस समय के साथ समझ में आता है कि किसका जिम्मेदारी क्या है, कहाँ पर यूज होता है, ओके, वो तो सर अल्टीमेटली देश को एक बिजनेस बिल्ड करना है, अल्टीमेटली देश का बिजनेस को स्ट्रांग करना है, तो इसी के लिए सभी कोई जुटे हुए हैं, है ना, मतलब बात कुछ ऐसा हो जाता है, मिलिट्री ज़्यादा अच्छा काम करती है कि BSF ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्या बोलते हो और फिर अचानक तुमको लड़ने के लिए भेजे, अगर बोलेगा कि भैया लड़ने चलो तो क्या लड़ पाओगे, नो सर, है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स चाहिए, तो मिलिट्री का जरूरत पड़ गया, जो सिर्फ जरूरत में लड़ाई लड़ते हैं, BSF का काम लड़ना नहीं होता, वो सिक्योरिटी देता है, हाँ जरूरत में लड़ भी लेगा, बट पॉइंट इज दैट कि एक स्पेशलाइजेशन का एरिया है ना, तो क्या बताऊँ सर, हर चीज में स्पेशलिटी है तो सभी पुलिस, ठीक है, तो ये सब बातें आ जाता है, ओके आगे देखो, तो पॉइंट इज दैट सोलोमन 38,782 पाउंड में सोलोमन ने अपने ही बिजनेस में एसेट दिया और बदले में 20,000 पाउंड का शेयर्स ले लिया, डिबेंचर्स का ओर था 10,000 पाउंड का, कंपनी विथ चार्ज ऑफ द कंपनीज एसेट्स, अच्छा कंपनी पे अपने ही कंपनी में खुद ही लोन दिया और बदले में कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट कर दिया सर, चार्ज क्रिएट कर दिया, सर चार्ज क्रिएट करना मतलब
चार्ट्स क्रिएट करना करना मतलब ये लास्ट वीक समझाया था मैंने, लोन दे दिया। नहीं सर, लोन मतलब डिवेंचर, आपने अपने ही कंपनी पे 10,000 pounds का लोन दे दिया, तो चार्ज का मतलब क्या हो जाता है, कोई बताओ तो सर, कोई तो बताओ। अपने एसेट पे मॉर्गेज रखा। यस, मतलब कोई भी एसेट्स पे मॉर्गेज रखना, जैसे आप बैंक पे लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक बोलते हैं कि जमीन वगैरह कुछ है, प्रॉपर्टी कुछ है, तो पेपर्स जमा करो, लोन दे देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलो ना। यस, इट्स सिमिलरली उसी टाइप का है, बट थोड़ा सा कंपनी लेवल में होता है। जैसे मानो कोई कंपनी पे लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं लोन तो कंपनी को दे दूंगा, बट अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि कंपनी कभी फ्यूचर में बंद हो गया और मुझे मेरा लोन सिक्योर कैसे होगा, मतलब मुझे पैसा मिलेगा इसका क्या श्योरिटी है? तो कंपनी बंद तभी होता है ना जब कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता है। क्या लगता है सर, कोई अच्छा कंडीशन में कंपनी बंद करता है, कभी सुने हो क्या? नहीं ना। तो फिर जब जब कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो जाएगा, तो उस टाइम पे कंपनी आपको रीपे कैसे करेगा? फिर तो कंपनी बोलता है ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे एसेट्स पे आपको चार्ज दिला देते हैं। चार्ज मतलब आपका अधिकार दिला देते हैं, राइट? ओके, तो ये आपका चार्ज में है, ठीक है। तो अगर कंपनी इन फ्यूचर में लोन रीपे नहीं कर पाया, तो कंपनी के किसी सेम वैल्यूएशन के एसेट्स पे जिसने कंपनी को लोन दिया था उसका हक आ जाएगा। क्लियर है सर बात? अरे यस इन सिंपल। हाँ बोलो सर। ये तो रिपीटेड वन, समझ नहीं आया। अच्छा पहले मुझे ये चीज बताओ कि आप बैंक से लोन लेते हो कभी, मतलब या कभी सुने हो कोई लोन लेता है मॉर्गेज पे? हाँ सर। है ना, तो मॉर्गेज में लोन क्यों लेता है? पैसे चाहिए होता है। हाँ पैसा चाहिए होता है उनको। हाँ तो पैसा उनको चाहिए होता है, तो मॉर्गेज बैंक क्यों लेता है आपसे? सिक्योरिटी पर्पस। मॉर्गेज क्यों लेता है बैंक आपको, ऐसे ही लोन दे देगा क्या? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जैसे मानो कि ये देखो आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो आप अपना प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो, आप अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, मॉर्गेज लोन, ठीक है। तो सिंपल बात है, वो बोल रहे कि भाई ठीक है आपको लोन चाहिए, आप लोन ले लो, पर बदले में आपका कोई प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज रखना पड़ेगा। इट्स टाइप ऑफ दैट। तो ये सिक्योरिटी है, दिस इज अ सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब बैंक अपना जो पैसा बाहर दे रहा है दूसरे को, वो अपने लोन को सिक्योर कर रहा है और कुछ नहीं। ये देखो ये इमेज से आपको पता चलेगा, ये इमेज बड़ा अच्छा इमेज है। बैंक ने लोन प्रोवाइड किया और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख लिया आपका, किसी भी पर्पस में आपको लोन दिया, लेकिन आपका प्रॉपर्टी बैंक ने क्या कर लिया, हाँ मतलब जब्त कर लिया अपने पास। जब तक आप रिपे नहीं कर देते हो तब तक ये लोन, ये प्रॉपर्टी, मतलब तब तक प्रॉपर्टी में बैंक का भी एक मतलब हक है, और अगर आप बाई चांस लोन रिपे नहीं कर पाते हो इन फ्यूचर नियर, आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, अगर फिर भी आप जमा नहीं करते हो तो फिर प्रॉपर्टी बैंक का हो जाएगा। यहाँ पर केस ऐसा है कि आप कंपनी पे लोन प्रोवाइड करते हो, यहाँ पर बात कैसा है सर, आप कंपनी पे लोन प्रोवाइड करते हो, सिंपल बात है, कंपनी है डिवेंचर्स जैसे। अच्छा चलो आपको रियलिटी दिखा देते हैं, चलो कि कंपनी किस तरह से मार्केट से, जैसे हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, वैसे ही आप मार्केट में बॉन्ड डिवेंचर्स खरीद सकते हो। बॉन्ड डिवेंचर इज ऑलमोस्ट सेम टाइप्स। इट्स लाइक जैसे मानो मैं आपको बॉन्ड्स, ये कैपिटल मार्केट का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। बॉन्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ लोन, ठीक है। तो ये कंपनी इशू करेगा, कौन देगा, हम आप जैसे लोग या कोई दूसरा कॉरपोरेट एंटिटी, ठीक है। ये देखो सर, ये मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो साइट है वहाँ पर चला गया। लोग शेयर खरीदते हैं, अगर आपको बॉन्ड खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। सर दिख रहा है बॉन्ड का, बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को? बॉन्ड इज ऑल्सो डिवेंचर भी डेब्ट, डिवेंचर भी लोन है, बॉन्ड इज ऑल्सो लोन, ठीक है। डेब्ट मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ये सब लिस्टेड कंपनीज है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है ज़्यादातर सभी कंपनीज यहाँ पर जो भी है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कुछ कंपनीज दिखता है, देखो IIFL, NHAI, IFCI, HUDCO, हाँ HUDCO का बहुत सारा है, NHAI का, गवर्नमेंट कंपनीज का बहुत सारा मिलेगा, इवन आपको प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर दिखेगा। प्राइवेट कंपनी जैसे मानो ये देखो L&T Finance, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? यस सर।
देखो ये आपको, देखो आपको अलग अलग टाइप का लोन मतलब आपको बॉन्ड दे रहा है, ये बॉन्ड क्या है, कंपनी आपको पे करेगा कि मतलब कंपनी आप पे इन्वेस्ट करेगा कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? अरे ये क्या होगा, कंपनी इन्वेस्ट करेगा कि आप इन्वेस्ट करोगे? ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है? जैसे मानो कि ये L&T, हाँ हम लोग, ईश्वर है कंपनी, इशू करेगा कंपनी, कंपनी इशू कर रहा है, जैसे L&T फाइनेंस इशू कर रहा है, क्या इशू कर रहा है, 5 साल का एक Y5 सीरीज दे के नाम रखा है, बॉन्ड टाइप रेगुलर है, ठीक है, एक होता है रेगुलर, एक होता है टैक्स फ्री, आपको कूपन दे रहा है इंटरेस्ट रेट 8.60%, जो आज के रेट में किसी भी बैंक डिपॉजिट से ज्यादा है। अरे आज के रेट में किसी भी बैंक डिपॉजिट से ये रेट ज्यादा है कि नहीं है? Yes. हाँ, कोई भी बैंक डिपॉजिट आज के रेट में 6.5% से ज्यादा कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसका फेस वैल्यू है 1000 का, ठीक है, और लास्ट ट्रेडेड इतना दाम में मार्केट में इसका दाम हुआ है, मार्केट प्राइस। तो इस तरह से इसका अभी तक इसका जो रेटिंग है ऑलमोस्ट ट्रिपल रेटेड है, ठीक है, और इतना वैल्यू का ट्रांजेक्शन हुआ है। कहने का मतलब आपको इतना डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊँगा, जो मैं नॉर्मली कैपिटल मार्केट में डिटेल समझा सकता हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि ये जो कंपनी मार्केट में इशू कर रहा है, कंपनी मार्केट में इशू कर दिया तो ये L&T फाइनेंस इशू किया, ठीक है, हम आप जैसे लोग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से डर रहा है, ये शेयर से क्या होता है, थोड़ा सा सिक्योर ज़्यादा होता है, क्यों, बिकॉज शेयर का पैसा ना भी मिल सकता है अगर कंपनी लॉस में चले जाते हैं, बट ये बॉन्ड डिबेंचर्स का पैसा कंपनी को देना ही पड़ता है, बिकॉज ये कंपनी को सबसे पहले पे करना होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में ये कंपनी का सबसे पहला ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का एक एरिया आता है, वहाँ से सबसे पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है, मस्ट है, तो ये लोन है, तो L&T फाइनेंस ने बेसिकली डिबेंचर या बॉन्ड, ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये बॉन्ड इशू कर दिया, हम आप जैसे लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे इस कंपनी में क्या कर दिया सर, बॉन्ड या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देता, बट ऑब्वियसली बैंक रिटर्न से ज़्यादा होगा, FD रिटर्न से ज़्यादा होगा, ठीक है, सिक्योरिटी होता है, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह हो तो एकदम सिक्योर होता है, ठीक है, फुल्ली सिक्योर, प्राइवेट कंपनीज में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा थोड़ा सा आप परसेंटेज कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बॉन्ड इशू कर कौन कर दिया, कंपनी, आप हम जैसे लोग क्या कर दिया, बॉन्ड परचेज कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली हमने कंपनी को क्या दिया सर, लोन दिया, बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि आप कंपनी पे लोन दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं सिक्योर्ड लोन लेना चाहता हूँ, कैसा लोन लेना चाहता हूँ सर, सिक्योर्ड लोन। वो कैसा हो जाएगा कि कंपनी को आप सपोज मानो कि आपके पास 10 लाख है या 10 करोड़ है, आप कंपनी को 10 करोड़ लोन देना चाहते हो, बट 10 करोड़ लोन आप कंपनी को दे दोगे, चाहे वो बॉन्ड के थ्रू से हो या डिबेंचर के थ्रू से हो या डायरेक्ट डिबेंचर इशू करके हो, जो भी हो, कंपनी आपको बोल रहा है, आप कंपनी को बोल रहे हो कि बदले में मेरा सिक्योरिटी क्या होगा, तो कंपनी अपना कोई भी एसेट्स सिमिलर वैल्यूएशन का आपके नाम पे चार्ज कर देगा। अगर फ्यूचर में कभी कंपनी फेलियर होता है तो उस एसेट पे आपका हक है, उसको बेच के पैसा ले लेना जितना मिले, समझ में कुछ आया, इन सिंपल दिस इज कॉल्ड चार्ज। क्या सर, ये मैं आपको लाइव मार्केट से एग्जांपल दिखा दिया, ये सब लाइव मार्केट में डेली चेंजेस होता रहता है, करेंटली मार्केट क्लोज है बट ये लाइव डेली चलता रहता है, ये सब बॉन्ड मार्केट वगैरह कभी बात करूंगा सर, ऐसे आप लोगों को पता ही है, मैं एक चीज़ समझाने जाता हूँ इतना सारा चीज़ निकल के आ जाता है, फिर मैं खुद ही सोचता रहता हूँ कि क्या ये बताना सही है अभी लेकिन क्या करें सर, आप लोगों के मन में सवाल आता है तो मैं रुक नहीं पाता। बोलो सर, जिसका भी प्रॉब्लम था, मोस्ट प्रॉब्ली आदृति का साउंड था, बोल आदृति, चार्ज हाँ समझ में आया ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, सोलोमन ने अपने ही कंपनी को क्या दे दिया, डिबेंचर दे दिया, मतलब वो खुद ही बना रहे हैं कि भाई मैं वही कंपनी का मैनेजर है, कंट्रोलर है, वो अपने ही कंपनी को डिबेंचर दे दिया, डिबेंचर का वर्थ कितना था, 10,000 पाउंड का, ठीक है, और कंपनी के जितना एसेट्स था, ठीक है, सेम वैल्यूएशन पे वो एसेट अपने नाम पे कर दिया कि 10,000 पाउंड के बदले कंपनी के एसेट्स मेरे नाम पे, वो खुद ही कंपनी का मैनेजर है ना, वो खुद ही कंपनी का कंट्रोलर भी है, ठीक है, वही कंपनी का डायरेक्टर है, और बाकी जो पैसा है वो कैश में रखा, और अपने वाइफ डॉटर एंड 4 सन्स जो है उनके नाम पे
एक एक शेयर करके रख लिया, वन पाउंड शेयर ईच। सब्सिक्वेंटली द कंपाउंड कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चला गया। लिक्विडेशन में जाने का मतलब क्या है? कंपनी बंद के कगार पे जा रहा है। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? बोलो। ओके सर, कंपनी वेंट इन टू लिक्विडेशन। ये जो सोलोमन का कंपनी है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब उंडा हो रहा है सर, कंपनी बंद हो जाएगा ऐसे हालत में है। मतलब हालत में है नहीं, होगा, बिकॉज मार्केट जनरल ट्रेड डिप्रेशन है, मतलब बिजनेस में इतना खराब हालत हो गया कि बिजनेस बंद करना पड़ा। अब जैसे ही बिजनेस बंद करना पड़ा, जिस चीज का डर था वही हुआ। अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कंपनी का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन? जिसने कंपनी को लोन तो दिया था या बिजनेस को कुछ ना कुछ, जैसे लोन पे कोई प्रोडक्ट भी दिया होगा, कोई रॉ मटेरियल भी दिया होगा, ठीक है, वो उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कि मैं आपको लोन देता हूँ बट बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके बिजनेस चलेगा, आप मुझे देते रहिएगा इंटरेस्ट साथ। जिसका अमाउंट था 7,000 pounds का, लेकिन जब बिजनेस प्रॉब्लम में आ गया, बिजनेस बंद हो रहा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है इनको डर हो गया ना सर कि अभी बिजनेस बंद हो जाएगा तो इनका जो पैसा सोलोमन एंड कंपनी में पड़ा हुआ है, ये पैसा तो गया इनका, क्या सर गया कि नहीं गया? यस सर। नॉर्मली क्या होता है कि कोई क्रेडिटर या लोन वाले अगर आपको कुछ लोन देता है और आपका जब पूरा हालत खराब हो जाते हैं, सबसे पहले वही लोग आके आपके घर के सामने या आपके बिजनेस के सामने लाइन लगाएगा, यस और नो? यस सर। सिंपल बात है ना, हम लोग इसको बंगाली में क्या बोलते हैं जानते हो? मतलब पाती बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है, जब भी किसी का हालत खराब होता है ना तो उसके घर के सामने पावनादार आके खड़ा हो जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में इसको? पावनादार। जो लोग बंगाली टर्म्स के साथ कनेक्टेड हो, आई होप उनको समझ में आ रहा है। अरे ठीक बोल जी, पावनादार कथाटा, पावनादार बोले तो तथा रोशनी, आई होप आप लोग बता पाओगे, है ना? तो सिंपल, क्रेडिटर मीन्स पावनादार। ओके, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको विश्वजीत? पावनादार को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में? पावनादार होता क्या है? अरे क्रेडिटर, पावनादार मींस क्रेडिटर, मतलब जो जिसको आपसे पैसा मिलेगा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तेरे को हिंदी कुछ नहीं आता, बेकार है तू। चल आगे देखो सर। अच्छा ठीक है ठीक है, अरे जरूरी नहीं, आजकल सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, शुद्ध बंगला शुद्ध हिंदी सब भूल रहे हैं। ठीक है चलो, भूल जाओ, अपना चीज़ भूलो और दूसरे का चीज़ ले लेके बड़े हो जाओ, ज़्यादा बड़ा ऐसा करके हो नहीं पाएंगे, वो अलग बात, दूसरे का चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं है, बट अपना चीज़ भूलना नहीं चाहिए। हाँ सर, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द ट्यून ऑफ 7,000 pounds कंटेंडेड दैट सोलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये लोग गुस्सा हो गया, बोले भाई सोलोमन को सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं कर सकते, लेकिन एज पर कंपनी लॉ वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया है। ठीक है, वो अपने नाम पे एसेट को चार्ज कर दिया, खुद ही अपने नाम पे चार्ज कर दिया, कंपनी बंद हुआ तो उसी का चीज उसको पर्सनली मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भूल नहीं है, इसमें लीगली सब ठीक है, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को गुस्सा हो गया। ये लोग जाके बोल रहे हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिवेंचर्स हेल्ड बाय हिम, ठीक है, एज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन मैन कंपनी, वो खुद ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और ये एक वन मैन कंपनी है, यहाँ पर और कोई शेयर होल्डर्स वगैरह नहीं है, विच वॉज नॉट डिफरेंट, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका फैमिली मेंबर्स है, विच वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सोलोमन एंड द क्लोक ऑफ द कंपनी वॉज अ मेयर श्याम। श्याम मतलब समझते हो? श्याम मतलब क्या? हाँ सर, श्याम मतलब बोगस। ठीक है, मतलब जस्ट सिंपल बात है, ये फ्रॉड है, बोगस है, मतलब ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये सोलोमन जो है, ये जिस तरह से कंपनी को रन करा रहा है, ये एक मतलब जरा सर धोखा है, सिंपल बात है, धोखा है। इसको पता था कि बिजनेस बंद होगा, बदमाशी किया, हम लोगों से पैसा लिया और एज पर कंपनी लॉ सारा का सारा सेटअप खुद के तरफ से कर लिया और कंपनी को बंद कर रहा है, जैसे मियर श्याम। ठीक है, एंड फ्रॉड, बोगस है और ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। कौन बोल रहा है सर ये? कौन बोल रहा है ऐसा बात? कौन बोल रहा है ऐसा ऐसा क्लेम? किसके किन लोगों की तरफ से है? किस तरह का क्रेडिटर? ये लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कंपनी के एसेट्स पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। ठीक है, सो ये लोग कोर्ट में जाया। ठीक है, तो
which was not different from Solomon and the fraud. It was held by Lord Macnaughton. इन्होंने last इसका फैसला दिया था. क्या लगता है सर, फैसला क्या हुआ था? Solomon के against में या Solomon के favor में? Against में. नहीं सर, against में नहीं किया था. देखो, the company is at a law, a different person altogether from the subscriber to the memorandum. And though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before. And the same persons are managers. Business start करने से पहले भी company जिसके हाथ में था, business के बाद भी company form होने के बाद भी company वही चला रहा है. And the same hands receive the profits. जैसे यहाँ पर इस case में Solomon ही profit कर रहा है. The company is not in law the agent of the subscriber. As per law, company मतलब subscriber का agent नहीं है, मतलब जो company का member है उसका agent नहीं है company. और trust is for them. Nor are the subscriber as members liable in any shape or form. Except to the extent and in the manner provided by the act. हाँ, उतना ही liability लेता है जितना वो limited liability concept में बना जाता है, जो मैं आप लोगों को last week बताया था, limited liability concept. Now, thus in this case, clearly established that company has its own existence. Company का अपना existence है. And as a result, shareholder cannot be held liable for the act of the company, even though he holds virtually the entire share capital. हो सकता है कि वो पूरा entire share capital उसका है. अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये कंपनी कर रहा है, Solomon कुछ नहीं कर रहा है. द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी. मतलब Solomon इतना सारा चीज करने के बाद भी कंपनी लॉ के हिसाब से वो सही किया ना. उसने क्या गड़बड़ किया? कोई गड़बड़ नहीं किया. ये सब परपेचुअल सक्सेशन के कारण, परपेचुअल सक्सेशन के कारण या सेपरेट लीगल? परपेचुअल सक्सेशन कहां आ रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सेपरेट है. अगर कुछ इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी दिखता है तो किसको पकड़ा जाएगा? Solomon को कि Solomon एंड कंपनी को? Solomon एंड कंपनी. तो Solomon एंड कंपनी को पकड़ के क्या होगा? यस सर, Solomon एंड कंपनी को पकड़ के क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Solomon एंड कंपनी का इमोशन है क्या? इसको सजा देके आपको कुछ मिलेगा? इसको कौन क्या बताएगा, क्या सुनेगा? ये तो आर्टिफिशियल है. तो यहाँ पर गलती जो भी हो रहा है जानबूझ के करे, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि कुछ तो जानबूझ के ही हो रहा है. पूरा समझ में आ रहा है कि Solomon को पकड़ना चाहिए, बट क्या एज पर लॉ Solomon ने कुछ गलती किया यहाँ पर? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. हाँ सर, आप सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो. सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में अगर कुछ गड़बड़ है तो कंपनी ने किया है. तो यहाँ पर कंपनी जो है दैट इज Solomon एंड कंपनी, तो उसको पकड़ के क्या होगा? क्योंकि जब जब Solomon को पकड़ने आएगा कि भाई आपने गलती किया है, वो क्या बोलेगा? ये तो मैं इसका मैनेजर हूँ, Solomon एंड कंपनी ने किया. आपको पकड़ना है तो आप Solomon एंड कंपनी को पकड़ो, मेरे को पकड़ के क्या होगा? बिकॉज वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके पास पावर है, ताकत है. कंपनी ने गलती किया, मैंने नहीं किया, ऐसा ही बोलेगा ना Solomon. हाँ सर, यस ना. अभी बड़ा सवाल आप लोगों के सामने रेज हो रहा है सर. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट द इक्वेशन में अराइज, द क्वेश्चन में अराइज whether this veil of corporate personality, ये जो बीच का पर्दा है, किसके साथ? Owner and company. And company. Owner and company के बीच में जो ये पर्दा है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं veil, अब इसको उठाया जाएगा कि नहीं? Can be lifted or pierced? Before going into this question, one should first try to understand the meaning of this phrase. Lifting the veil. It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity. इसको अगर आप legal person बनाते हो, ठीक है, इसका मतलब आप corporate entity का जो separate वाला बात है उसको आप disregard करते हो. And paying regard instead to the realities behind the legal facet. Legalities के पर्दे के पीछे कुछ और ही काम हो रहा है ना सर? Legal पर्दे के पीछे कुछ दूसरा खिचड़ी पक रहा है क्या सर? पका कि नहीं पका Solomon के केस में? यस सर, उसने अपना डिवेंचर खुद ले लिया था, अपना शेयर तो उसके नाम पे था ही,
डिबेंचर्स को भी अपने नाम पे करके चार्ज करके सब अभी खुद के नाम भी कर रहा है, तो एज पर लॉ बाकी लोग क्या करेगा फिर? तो खिचड़ी पकने से रोकना है, खिचड़ी नहीं पकने देना है, ठीक है? हौचपौच हो जाएगा तो फिर बाकी लोगों का इंटरेस्ट का क्या होगा? बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कंपनी के साथ आया भरोसा किया, उनका भरोसा का क्या होगा? तो यहाँ पर लॉ फिर से प्रॉब्लम में आ गया, और फिर लॉ के सामने एक सवाल उठा, क्या ये बीच का पर्दा उठा देना चाहिए? ठीक है, और यहीं से सवाल क्रिएट हो गया सर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, वेयर द कोर्ट्स इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स, द कॉर्पोरेट वेल मे बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड ओनली इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, जरूरी सर्कमस्टेंसेस में बीच का पर्दा उठा दिया जाएगा। द कोर्ट्स आर विलिंग टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड दैट टू व्हेन क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल आर इन्वॉल्व रादर देन मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। बात सिर्फ ओनरशिप का नहीं है, ये कंट्रोल का भी है, ठीक है? ऐसे सिचुएशंस में, अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में ऐसा होगा, बट सर कब कब ये तो समझ में नहीं आया। सिचुएशन होगा ये समझ में आ रहा है, बट कब, क्यों, कैसे, चलो देखते हैं विथ सम केस लॉस। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड, मतलब कंपनी जो है ये एनिमी है कि फ्रेंड है, आपको ये समझना पड़ेगा। इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज डैमलर कंपनी वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, द वेरी फेमस केस सर, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर कंपनी, मोस्ट प्रोबेबली ये जर्मनी एंड इंग्लैंड के बीच का बात है। सर जर्मन और इंग्लैंड एनिमी है कि फ्रेंड है? अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एनिमी। हाँ सर देखो सर यहाँ पर फिर से हिस्ट्री आ गया, चलो मैं, यस सर एकदम एनिमी। अब जो लोग बोलेगा सर उनको हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, उनको हिस्ट्री अच्छा लगाना पड़ेगा सर। आज सुबह भी मैं ये फाउंडेशन का क्लास चल रहा था, वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा था हिस्ट्री का, ठीक है? तो बेसिक कॉमर्शियल नॉलेज का क्लास था, बिजनेस एनवायरमेंट का, तो वहाँ पर भी हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री पीछा नहीं छोड़ रहा है सर, पीछा नहीं छोड़ रहा हिस्ट्री। तो डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जियोपैरिटी, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट अगर प्रॉब्लम में नहीं आता है, द कोर्ट मे नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट सेल, बट इट मे रेंट द जेल ऑफ फॉर एसर्टनिंग वेदर ए कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। इट इज ट्रू दैट अनलाइक ए नेचुरल पर्सन, ए कंपनी डज नॉट हैव माइंड और कंसाइंस, कंपनी का माइंड नहीं होता, चेतना नहीं होता, देयरफॉर इट कैनॉट बी फ्रेंड और फो, ये दोस्त या मतलब एनिमी या दोस्त कुछ भी नहीं होता है। इट मे हाउएवर बी कैरेक्टराइज एज एन एनिमी कंपनी इफ इट्स, कभी तो फिर कब एक कंपनी को एनिमी बोलेंगे? कंपनी का तो ऐसा कुछ बात होता नहीं है ना सर, ठीक है? वो ना तो दोस्त है ना ही दुश्मन है, ठीक है? तो इट मे हाउएवर बी कैरेक्टराइज एज एन एनिमी कंपनी इफ इट्स अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ एन एनिमी कंट्री, अगर किसी भी बिजनेस का कंट्रोल में कोई एनिमी कंट्री का कोई भी उसके अंदर है तो फिर उसको एनिमी कंपनी बोला जा सकता है। फॉर दिस पर्पज द कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो जो है वो कौन है उसका देखभाल करना बहुत जरूरी है। चलो सर थोड़ा देखते हैं ये डैमलर का केस, दो सेकेंड में कुछ मिलता है कि नहीं। डैमलर वर्सेस कंटिनेंटल टायर्स, वेरी फेमस केस सर। मैं बस आपको इसका एक इतना बताऊंगा, ये जो एनिमी वाला केस है इसी केस से समझ में, मतलब यही वाला केस कब का केस है सर? केस दिख रहा है केस का डेट 1916 का, 1916, ठीक है? इज ए यूके कंपनी लॉ केस कंसर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल एंड एनिमी कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी। इट इज यूजुअली डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, however it is merely an example of where the corporate veil is not an issue as a matter of company law since the decision stands and correct interpretation of a statute, theek hai? ab details case aap bahut chaho to baad mein pad sakte ho, but main aapko yahan par just small facts ek bar aapko batata hu. all except one of the continental tire and rubber company limited shares, matlab all except one, sara ka sara shares except ek shares were held by german residents. ये जो कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है ये कहाँ का कंपनी है सर? यूके का कंपनी है, ठीक है? इसका जितना शेयर था एक्सेप्ट वन शेयर किसके हाथ पे था? जर्मन रेसिडेंट, एंड ऑल डायरेक्टर्स वर जर्मन रेसिडेंट।
were held by German resident and all directors were German residents. ठीक है अच्छा. All except one of Continental Tire and Rubber Company Limited shares were held by German residents and all directors were German residents. The secretary was English. Continental Tire and Rubber Company Limited supplied tires to Daimler, but Daimler was concerned that making payment might contravene a common law offense and trading with the enemy. अगर इनको payment करे तो ये trading with enemy हो जाएगा as well as proclamation issues under section 3 subsection 1. UK का law बता रहा हूँ आपको. Trading with enemy Act 1914 ये UK का law है ठीक है. Daimler brought the action to determine if payment could be made given that it was a first world war. उस time पे first world war चल रहा था. Case तो 1916 का है और first world war चला था कब से कब तक? कौन बोलेगा किसका history strong है जल्दी बोलो. 1915 में start हुई. 1914 to 1918. हाँ 1914 to 1918 ये mainly first world war का ड्यूरेशन था ऑलमोस्ट. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि एक कंपनी को एनिमी कंपनी कैसे बोला जा सकता है. ये डैमलर कंपनी वर्सेस कंटिनेंटल टायर से दुनिया को पता चला था ठीक है. केस यूके का बना था और बाद में यूके लॉ से ही तो इंडियन लॉ इंस्पायर्ड होकर बना है. स्पेशली मैक्सिमम लॉ ऐसा ही बना है सर. और भी कंट्री का लॉ लिया गया है बट मैक्सिमम जो करेंट जो हम लोगों का जो स्टडी सिस्टम चलता है ये ब्रिटिश से बहुत सारा चीज़ें लिया गया है. You all know about this. तो हाँ जो बहुत सारा चीज़ें अमेंड भी कर दिया गया. बहुत सारा चीज़ें नहीं है जो ब्रिटिश पीरियड में रहता था ठीक है. बहुत सारा चीज़ नहीं है सर. तो पॉइंट इज वेरी सिंपल यहाँ पर कि टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. तो सर अगर ऐसा दिख जाए तो कि बीच का पर्दा उड़ गया कि नहीं उठा क्या रे? Yes, sir. या फिर ऐसे बोल दिया कि नहीं पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ क्या बोलते हो? पर्दा उठाया? पर्दा उठा ठीक है. तो ये एक रीजन है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने का ठीक है. थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो किसको? कॉर्पोरेट वेल को. हाँ सर. सर आप लोग गाना मत गाना चालू कर देना. सर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स. सर देश का टैक्स अगर किसी कारण से प्रोटेक्ट करना है कंपनी अगर टैक्स नहीं देना चाहता है ऐसा कुछ बात है. इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग द लॉज ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एंड स्टैम्प्स पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज एन इशू. पता नहीं चलेगा भाई कौन टैक्स पे करेगा ठीक है. ऐसे केसेस में बीच का पर्दा उठा देंगे क्योंकि जब भी उनको पकड़ने जाएंगे वो बोलेगा मैं नहीं दे सकता कंपनी देगा. अब कंपनी को कैसे सजा देंगे? तो ये केस हुआ था एस बार्नर्ड्स एंड लिमिटेड वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू. ये केस भी आप लोग अलग से देख सकते हो ठीक है. वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेट और सरकमवेंट टैक्स. अगर कोई कंपनी कभी भी किसी भी तरह का लॉ का लूपहोल्स उठा के लॉ का जो भी मतलब हल्का नेस है लॉ का बहुत सारा जगह होता है ना जो लॉ के अंदर प्रॉब्लम है. लॉ मतलब सटीक बना नहीं है किसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर उसका मिसयूज कर रहा है ठीक है. उसका जो भी वीकनेस है उसको यूज करके मिसयूज कर रहा है. तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? मतलब लॉ क्या बता रहे हैं? हम लोग बीच का पर्दा उठा देंगे और जो एक्चुअल कातिल है उसको पकड़ लेंगे. ये केस हुआ था द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी. जुगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ये इंडिया का केस है नाम से ही पता चल गया आप लोगों को. हाँ सर आप लोग ये सब केसेस स्पेशल करके गो थ्रू कर सकते हो. मेन मैटर समझ में आ रहा है. अगर आपको और लॉ में दिलचस्पी बढ़ रहा है तो आप लोग अलग से और डिटेल्स में जा सकते हो. ऐसे केसेस हमारे यहाँ पर लाइन लग जाएगा ठीक है. दिनशा मुखर्जी पेटिट का भी एक केस था. सॉरी मुखर्जी बोल दिया मैकेंजी ठीक है. इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल बट मेयरली द एसेसी हिमसेल्फ disguised under the legal entity of limited company. The SEC earned huge income by way of dividends and interest. जो SEC मतलब जिसका income tax calculate होता है उसको SEC कहते हैं. जिनको नहीं पता उनके लिए बताया सर कि SEC उसको बोला जाता है जिसका income tax calculation हो रहा है या फिर जिसका tax calculation हो रहा है tax pay करना है उनको कहते हैं SEC. तो ये दिनशॉ मैकेंजी पेटिट के केस में ऐसा हुआ था. It was not a genuine company at all but merely the SEC himself disguised अपने आप को छुपा रहा है ठीक है. अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी द एसएससी अर्न्ड ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट. सो ही ओपन सम कंपनीज एंड परचेज देयर शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. मतलब वो बेसिकली क्या किया? कुछ कंपनी बना दिया ठीक है. द एसएससी अर्न्ड ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. सो ही ओपन सम कंपनीज. उसने क्या किया? उसमें एक न्यू कंपनी बना दिया एंड परचेज देयर शेयर और उसका शेयर खरीद लिया इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम. मतलब वो बता रहे हैं कि मैंने कहीं से कमाया ठीक है तो अपने ही इनकम से वो क्या किया?
एक दूसरा कंपनी बनाया और बोल रहा है कि ये जो कंपनी मैंने बनाया, कंपनी का जो शेयर्स है वो मैंने इस पैसे से बनाया, ठीक है, ये एक्चुअली सेल कंपनी बनाने का एक तरीका है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। दिस इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू एसेसिस बाय वे ऑफ लोन, और बाद में यही पैसा कंपनी एज ए लोन, मतलब जो एसेसी है वो एज ए लोन अपने नाम पे कर दिया। द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनीज वेर ए शैम एंड द कॉर्पोरेट वेल वॉज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। मतलब मैं आपको समझाता हूँ किसके नाम पे किया जाए। चलो विश्वजीत के नाम पे ही कर लेते हैं। विश्वजीत, मान कि तेरे पास yes. बहुत सारा पैसा है, ठीक है, विश्वजीत ने बहुत कमाया सर, लेकिन विश्वजीत गवर्नमेंट का क्या करना चाहता है, टैक्स इवेड करना चाहता है। सर विश्वजीत, अगर तू जो अर्निंग किया, अगर उस अर्निंग में तू टैक्स इवेड करेगा तो तेरे अर्निंग को क्या कहा जाएगा? तुमने बहुत कमाया सर, बट तुमने सरकार का टैक्स नहीं देना चाहता, चाहे कहीं से भी कमाओ तुम, लेकिन अगर तुम टैक्स छुपाना चाहते हो, ईबीटी, हाँ, अरे नहीं सर, तुम बात नहीं समझे, हाँ सर, ब्लैक मनी, बस सिंपल बात है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक मनी, ठीक है, ब्लैक मनी वही होता है ना जो टैक्स इवेड करने के लिए आपको yes. ज्यादा मिल जाता है। तो आपने अपना ब्लैक मनी को बचाने के लिए एक कंपनी बना दिया जो कंपनी वास्तव में कुछ नहीं करता, सेल कंपनी है, ठीक है, या शैम कंपनी है, मतलब शैम मतलब बोगस, सेल मतलब जो है ही नहीं बट आप दिखा रहे हो कि है, ठीक है, लीगलिटी में है बट वास्तव में नहीं है, पेपर्स में है बट रियल में कोई एक्टिविटी नहीं करता, सेल कंपनी भी बोलते हैं ऐसे। कोलकाता में रैकेट चलता है सेल कंपनीज का, कोलकाता में यहाँ पर एक जगह है सर दक्षिण दाड़ी बोल के, जहाँ पर नॉर्मली मूर्तिकारों का घर ज़्यादातर है, आई होप आप लोगों में से जो लोग कोलकाता से हो उनको पता होगा, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मिला है, बहुत सारा एक ही बिल्डिंग पे, लेकिन वो कंपनी वास्तव में है ही नहीं। तो चलो वो सब अलग मुद्दा है, कभी चर्चा करेंगे। तो कंपनी आपने बना दिया, लेकिन इस कंपनी में आपने क्या बताया, आपके पास जो ब्लैक मनी था, आप क्या बोल रहे हो कि मैंने इसी ब्लैक मनी से इस कंपनी का शेयर परचेस किया, और कंपनी का जो भी कंपनी को क्या मिल गया, कंपनी को पैसा मिल गया, और फिर बाद में वही कंपनी आपको वो पैसा लोन पे दे दिया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पैसा को घुमा रहे हो, है ना, सरकार के पास इसका टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं पहुंच रहा, आप बेसिकली पैसे को घुमा रहे हो, फिर आप बोलोगे कि मैं ही कंपनी को इंटरेस्ट पे करूंगा, कंपनी काम करेगा, ऐसे करते करते 5-10 साल बीता बीत जाएगा, पेपर्स में सब कुछ है, पहले कंपनी आपने ब्लैक मनी को यूज करके कंपनी का शेयर परचेस किया, फिर वही पैसा कंपनी आपको लोन दे दिया, चल क्या रहा है, हाँ, मतलब कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, रियल ओनर ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि भाई पैसे का मालिक कौन है, हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस ऑफ दैट पर्टिकुलर अर्निंग। ऐसे करते हैं सर ब्लैक मनी छुपाने के लिए, क्या करते हैं जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, कौन होते हैं नॉलेजेबल पर्सन, हाँ, चार्टर्ड होते हैं सर नॉलेजेबल पर्सन, CMA वाले होते हैं नॉलेजेबल पर्सन, दे नो द लीगलिटीज, क्या करते हैं, सपोज आपके पास 1 करोड़ है, ये आपका जो समय गया था ना ब्लैक मनी, जिस टाइम पे वो गवर्नमेंट ने क्या किया था, सारा का सारा पैसे को डिमोनेटाइज कर दिया था, हाँ, तो बहुत लोगों के पास ऐसे ब्लैक मनी था, वो लोग गया सर फार्म में, फार्म में जाके बोला, मतलब जो फार्म ये सब काम करता है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब बेसिकली ये बढ़ावा देना है, इलीगलिटी को बढ़ावा देना है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस सर, फॉर द कंट्री, फॉर द बिजनेस एक्टिविटी, जेन्युइननेस के हिसाब से एक अलग बात। कुछ फार्म में गया जहाँ पर कुछ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, इनको बोला कि भाई मेरा पैसा है आप ले लो, पूरा ऐसे थोड़ी ना दे देगा, तो वो बोलता है कि ये पैसा अगर मैं बैंक में जमा करूंगा तो अभी सरकार मेरे को जेल में भी डाल सकता है, टैक्स इवेट के कारण पेनल्टी भी ठोकेगा, टैक्स भी लेगा, इससे अच्छा है कि आप कुछ पैसा रख लो, ठीक है, आप 2-3 लाख जो पसंद है रख लो, और बदले में मेरा पैसे को वाइट कर दो। कैसे करेगा, एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, सबसे पहले ये इससे इसके नाम पे आपके आपका एक कंपनी फॉर्म कर देगा, ये 1 करोड़ से, और बता देगा कि ये कंपनी का शेयर कैपिटल है, और ये शेयर कैपिटल का सब्सक्राइबर कौन कौन है, कोई राम श्याम, अगर आप खुद नहीं हो, ठीक है, आप अपना नाम को हटाना चाहते हो, कोई राम श्याम यदु मधु को ले लेगा, कौन है सर, अरे कोई चाय वाला है, कोई भंगाड़ वाला है, आसपास में रहते हैं,
बदले में उनको 20-20 हज़ार दे देता है, लेकिन उनके नाम पे कंपनी का शेयर कैपिटल डाल देता है। सर अगर ये लोग बाद में क्लेम करे तो? अरे भाई इनको कुछ आता है क्या पेपर्स वर्क? हाँ सर, ये जो राम श्याम, आप समझ रहे हो ना, ये जो भी मैं राम श्याम बता रहा हूँ, मतलब कोई भी, अरे गरे नथु करे, रामू काका, कालू काका, नांटू काका, कोई भी आसपास में, जिनको ये सब के बारे में कुछ नहीं पता, इनको 20-20 हज़ार दे दिया, गांव में बेटी का शादी नहीं हो रहा है, वो बदले में पेपर में साइन कर देगा, और ज़रूरत पड़ने में जब पैसा का उठाने का बात आएगा तो एक बार फिर से आके साइन करेगा, फिर पैसा कुछ ले लेगा। तो बदले में ये क्या करेगा, आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल बन गया, अब ये कंपनी चल रहा है, अब कंपनी का शेयर कैपिटल है, इसमें कौन आपको कुछ पूछेगा कि भाई क्या है किस लिए नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, आप बेसिकली अपने पैसे को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है। आपने बोला कि मैंने बिजनेस किया, तो बिजनेस के लिए आपको ये पैसा दिख रहा है। अब फिर जब अब बाद में क्या करेगा, यही पैसे को बाद में कंपनी एक लोन अकाउंट क्रिएट कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे कुछ लोन दिखाएगा, फिर लोन रिपे करेगा किसी और के नाम पे, ठीक है, जो एक्चुअल ओनर है। अब बेसिकली घुमा फिरा चलेगा, टोपी फेराना चलेगा, ठीक है। अब टोपी फिराते फिराते अल्टीमेटली जिसका पैसा है वो फिर से उस पैसे को विदड्रॉल करेगा, या फिर ड्राइंग्स दिखा देगा, कुछ पैसा ड्राइंग्स में चला जाएगा, कुछ पैसा लोन के इंटरेस्ट के नाम पे किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कम से कम 1 करोड़ में से शायद 10 लाख का खर्चा हो जाए, बट बाकी मतलब 10% खर्चा हुआ, बट 1 करोड़ में इससे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, 90 लाख बच गए, ठीक है, 90 लाख सेव हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो कुछ ऐसे हेरा फेरी चलता है, अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं गया, कभी आप लोगों को और डिटेल्स में समझा दूंगा, ठीक है, कभी आप लोगों को और थोड़ा डिटेल्स में समझा दूंगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर, कि किस तरह से कंपनी का टैक्स इवेट करने के लिए आजकल लॉ और थोड़ा इतना ज़्यादा मजबूत हो रहा है, और इसीलिए तो ये ऑडिट फर्म ये सब डुप्लीकेसी करता है, बोले ही तो NFRA बनाया गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कुछ लोगों के पास ऐसे बना, चार्टर्ड के पास पावर होता है, ठीक है, ऑडिटर के पास पावर होते हैं, मिसयूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं सर जो पूरा का पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी का पूरा नाम खराब कर रहा है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड प्रैक्टिस, सीए का नाम खराब तो सीएमए का भी नाम खराब, सब तो एक ही जात में आते हैं ना, ठीक है, सीएस का भी नाम खराब कर देता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, लोगों का भरोसा उठ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ गलत प्रैक्टिस चल रहा है, इसीलिए NFRA बनाया गया, इसलिए आजकल NFRA वर्सेस ICAI चल रहा है। NFRA आप देखना, मैंने स्टेटस पे भी लगाया, NFRA बोला है कि स्मॉल कंपनीज का ऑडिट बंद करो, स्मॉल कंपनी जो है MSMC उनका ऑडिट बंद करो, स्टैट्यूटरी इसको मैंडेटरी मत करो, कोई अपनी इच्छा से करेगा अलग बात, बट स्टैट्यूटरी नहीं करना चाहिए स्मॉल कंपनीज पे, ये इस तरह का बहुत डुप्लीकेसी चल रहा है। तो ये NFRA को बनाया गया 2018 में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो प्रैक्टिसिंग ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना उनके ऊपर नजरदारी रखने के लिए, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तरफ से, ये सब गलतफहमी देखने के लिए, इसलिए लड़ाई चल रहा है, अब NFRA का जीत हो रहा है आजकल, बिकॉज बहुत सारे लोग इतना। हाँ बोलो सर, स्मॉल कंपनी ऑडिट करा मैंडेटरी नहीं की? हाँ बोलो, स्मॉल कंपनी गुलो ऑडिट करा मैंडेटरी? एक्चुअली ऑल कंपनीज का ऑडिट मैंडेटरी है, हमने तो ताई जानी। यस, ऑल कंपनी ऑडिट मैंडेटरी एज पर ICAI, ठीक है, ICAI स्टैंडर्ड्स। हाँ बोलो, आपने शुरू बोले स्मॉल कंपनी का, मैं भावला नहीं नहीं नहीं, स्मॉल कंपनी मतलब MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज जो है इनका ऑडिट, ये भी तो कंपनी है, लेकिन ये तो ऑलरेडी स्मॉल कंपनीज है ना, माइक्रो कंपनीज है, जिसका मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि जो ओनर है वही मैनेजर है और कोई नहीं है, एक ही ओनर है और वही कंपनी का मैनेजर भी है। तो इस तरह का कंपनीज का ऑडिट इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, ये एक्चुअली क्या बताऊँ सर, ये बोलने से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता है, तो इसको लेके एक चर्चा चल रहा है, NFRA कुछ बता रहा है, ICAI कुछ बता रहा है। ICAI का कहना है कि नहीं, ऐसे छोटा मोटा कंपनीज के थ्रू से भी बहुत सारा फंड का मिसयूज हो रहा है कंट्री का। NFRA का कहना है कि नहीं, आप लोग जानबूझ के लीगल प्रेशर दे रहे हो स्मॉल इंडस्ट्रीज पे, जो इनका बिजनेस को रोक रहा है, आप ज़्यादा लीगल कॉन्सेप्ट में इसका बिजनेस को रोक रहे हो, क्योंकि लोग बिजनेस करने से पहले डरता है कि CA आके अभी ऑडिट का दबाव डालेगा, मतलब जो, और ये भी बोल रहे हैं NFRA का दावा है कि ये ऑडिट कुछ होता ही नहीं है, बस बिजनेस का डुप्लीकेसी बढ़ाने का लेन देन होता है, ये NFRA का दावा है। ICAI का दावा है कि नहीं, हम लोग बिजनेस सिनेरियो को और स्ट्रांग कर रहे हैं। अब ये सब लेके प्रैक्टिकल लड़ाई। हाँ पहले
দুজনেই দু আলাদা আলাদা পার্সপেক্টিভ থেকে কি हाँ दोनों का अलग दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, इसीलिए तो लड़ाई है, इसीलिए लड़ाई चल रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे तो मैं लड़ाई तो ओपिनियन डिफर हो जाने की टाइम बोलते दोनों ही बुद्धि के पर्सपेक्टिव तक के ठीक जिन निजत जाएगा। हाँ वो तो सही है, अब देखो कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या करता है, बिकॉज एनएफआरए के पास पावर ज्यादा है। अभी ऐसा कुछ ओपिनियन फॉर्म हो रहा है कि एनएफआरए को बना दो ऑडिटर को देखने के लिए, और आईसीआई का पूरा पर्पस बना दो क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए, ये सिर्फ यही काम करे, बाकी गवर्नेंस का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एनएफआरए को छोड़ दो। ऐसा ही कुछ आजकल का ये मार्केट सिचुएशन है। ठीक है, अभी समय बताएगा कि क्या होगा। एनएफआरए एग्जैक्टली क्या है? हाँ बोलो सर। एनएफआरए एग्जैक्टली क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA, National Financial Reporting Authority, इसका मेन काम इसलिए बना है, कंपनीज एक्ट का जो मतलब डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, इसको इसलिए बनाया गया ताकि ये जो ऑडिट फार्म्स है सर हमारे देश में, जो मैक्सिमम केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट फार्म्स ज़्यादातर, ठीक है, या उनका जो काम है सर CA का जो ऑडिटिंग एरिया है, जो कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट निकलते हैं उसको देखभाल करने के लिए, उसमें निगरानी रखने के लिए, ताकि ऑडिट एक्चुअली देखो जितना फ्रॉड होता है ना दुनिया भर में, कंपनी का फ्रॉड जब भी होता है तो फ्रॉड में ऑडिटर शामिल है ना सर, तभी तो फ्रॉड हुआ। फाइनेंशियल फ्रॉड में ये मानो कि सुरेश कलमटी का जो कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्रॉड, ठीक है, या फिर जैसे मानो गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलरी का फ्रॉड, या फिर मानो कि आपका विजय माल्या का जो 35,000 करोड़ का फ्रॉड, जितना फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं क्या लगता है, क्या उसमें CA को नहीं पता होता है जो ऑडिटर होता है, क्या वो कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं किया, तो फिर ऑडिट किया क्यों CA ने? दे नो एवरीथिंग। PwC का जो केस बना था रामलिंगम राजू का, सत्यम कंप्यूटर्स वाला केस, उसके बाद से ना कंपनी लेवल में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ गया है। मतलब उनमें उसमें प्रॉब्लम क्या बन रहा है कि कंपनी मैनिपुलेट कर रहा है, CA भी सेटिंग कर ले रहा है, बातों में आ जा रहा है, लेन देन कर लेते हैं, गलत बात ना। इसलिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाया गया जो ऑडिटर के ऊपर निगरानी रखे, नज़रदारी रखे, ताकि वो गलत सलत ना करे। फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए एनएफआरए बनाया गया। समझ में कुछ आया सर? ठीक है, अभी ये सब चर्चा डिटेल्स में और बढ़ोगे जितना आगे आगे जाएंगे ना, कंपनीज एक्ट के मतलब जो गहराई है बेसिक में नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल फाइनल लेवल में बहुत बार पढ़ोगे एनएफआरए के बारे में। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये है एनएफआरए करेंटली एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ टू ओवरसी द ऑडिटिंग प्रोफेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013। It came into existence in October 2018. The center has appointed former IAS officer Rangachari Sridharan as chairperson of NFRA. ठीक है, बाकी थोड़ा छानबीन कर सकते हो, रिसर्च खुद का रिसर्च बढ़ाते चलो, अपना नॉलेज बढ़ाते चलो। ठीक है, रिसर्च का देखो सर, चीज़ों पे इंटरेस्ट आ जाए ना एक बार, और कौन रोके सर, आप खुद ही रिसर्चर बन जाओगे और PhD हासिल कर लोगे। PhD ऐसे ही मिलता है सर, इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं। PhD आजकल जो फ्रॉडुलेंट PhD मिलता है उसका बात छोड़ो, बस आप अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करो, अपना अपने रिसर्च इतना बढ़ाते जाओ कि दिन रात और कुछ दिखे ही ना, तो क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिटी कॉस्ट अकाउंटेंट या क्वालिटी कंपनी सेक्रेटरी, इसका कमी नहीं रहेगा हमारे देश में। बस वही आजकल क्या है ना, देखा कितना मार्क्स मिला है, हाँ मतलब ये एक गलत टाइप का प्रैक्टिस चलता है। मार्क्स तो ठीक है, मार्क्स मिलेगा, अरे मार्क्स अच्छा कम ज़्यादा, ये रैंक किया वो रैंक किया, अरे भाई रैंक भी मिल जाएगा किसी ना किसी को, बट वेर इज द क्वालिटी, क्वालिटी मिसिंग है। आगे बात करेंगे फिर कभी। टू अच्छा थर्ड पॉइंट, क्यों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होना चाहिए? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, वेर इट वॉज फाउंड दैट द सोल पर्पज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वॉज टू यूज इट एज डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाई वे ऑफ बोनस टू वर्कमैन। ऐसा हुआ था, कंपनी बनाने के पीछे ऐसा कॉन्सेप्ट था कि वर्कमैन का बोनस कम देना है, वर्कमैन को बोनस कम देना है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में अगर पावरफुल लोग साथ दे दे तो फिर सब खत्म ना सर। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ये बोनस एक्ट में पढ़ा जाता है, बोनस मैंडेटरी है, बट कंपनी क्या करता है, सोल पर्पज टू फॉर्मेशन, मतलब एक गलत कंपनी बना देते हैं, जो कंपनी कुछ है ही नहीं है, बोगस कंपनी है, सेल कंपनी है,
is devised to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, और bonus दिया जाता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर. तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को शो कर देता है और बाकी पैसा को एक्चुअली सब्सिडियरी के नाम पे दिखा देते हैं. तो कंपनी अपने बैलेंस शीट में पैसा कम दिखा के बोनस भी कम देते हैं. ऐसा हुआ था वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेज द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर. ये वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेज एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका क्या केस हुआ था. The facts of the case are A Limited purchased shares of B Limited. ध्यान से देखना, A Limited ने शेयर परचेज किया B Limited का by investing a sum of rupees 450,000. The dividend in respect of the shares, ये जो shares invest किया ना A ने B में, तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा, profit का part मिलेगा. आप जब किसी company का share खरीदते हो तो share के बदले में आपको क्या मिलता है, dividend मिलता है. The dividend in respect of these shares was shown in the profit and loss account of the company. किस company के PL में जाएगा, A Limited के, है ना. Year after year, it was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to workmen of the company. Sometime in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited. B Limited ने क्या किया? The company transferred the shares, मतलब B Limited का जो shares A के पास था, वो C को transfer कर दिया, जो उसका subsidiary है. Subsidiary क्या होता है? अगर किसी company का दूसरे company में 51% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा shareholding है, ठीक है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग होता है, तो उस कंपनी को उसका सब्सिडियरी कहते हैं. और जिसने 50% से ज़्यादा होल्डिंग किया उसको होल्डिंग बोलते हैं. ठीक है, तो होल्ली ओन्ड बाई इट. दस द डिविडेंड इनकम डिड नॉट फाइंड प्लेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड. अब ए के पास और वो डिविडेंड नहीं है, किसके पास चला गया सर, ये डिविडेंड किसके पास चला गया, वर्कमैन सी के पास चला गया. सी के पास चला गया ना, ए लिमिटेड के जो प्रॉफिट का एरिया था वो प्रॉफिट था, डिविडेंड प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो वो ए लिमिटेड के पास था जो बी से मिलता था. अब ए ने किया क्या, वो डिविडेंड को ट्रांसफर कर दिया सी के अकाउंट में. और सी कौन है, सी कौन है, अ सब्सिडियरी, ए का सब्सिडियरी, होल्ली ओन, मतलब ए का होल्ली ओन, मतलब पूरा 100% ओन है उसका. Thus the dividend income did not find place in profit and loss account of A Limited. अब profit मतलब A Limited का जो PL बना है, profit and loss account of A Limited का जो PL बना है, उसमें dividend का जो part था, ठीक है, वो profit के अंदर नहीं है. Dividend का जो profit था वो profit के अंदर नहीं है, तो net profit क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, अरे कम हो जाएगा, कम होगा. और जो bonus दिया जाता है ना workman को, उसके ऊपर उसका नेट प्रॉफिट के साथ कनेक्शन है, बोनस एक्ट में पढ़ा जाएगा, इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है ये. ठीक है, नॉर्मली सीएमए इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में एक ये एक्ट पढ़ा जाता है, सीएमए फाइनल में पढ़ा जाता है. ठीक है, दैट इज बोनस एक्ट. ठीक है, तो बोनस एक्ट में आपको सिखा जाएगा कि बोनस एक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. अभी बस इतना जानो कि कैसे ये काम करता है. विद द रिजल्ट दैट द सरप्लस अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस टू वर्कमैन गॉट रिड्यूस्ड. तो जैसे ही आप अपना प्रॉफिट को कम कर देते हो, और प्रॉफिट को कम करने के पीछे का आपका वजह क्या है, वर्कमैन का बोनस कम देना. तो ये तो गलत हुआ ना सर, क्या रे, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए, वर्कमैन का बोनस कम करने के लिए आप ऐसे करोगे क्या? तो क्या हुआ, बीच का पर्दा उठा कि नहीं? अरे बोलो सर, बीच का पर्दा उठा कि नहीं? नेक्स्ट इज फॉर लिमिटेड का सब्सिडियरी था. हां बोलो सर, बी लिमिटेड भी क्या ए लिमिटेड का सब्सिडियरी था? इसके बारे में यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है. ए लिमिटेड जो है वो परचेस किया शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड का. मेनली यहां पर जो अपना प्रॉफिट छुपाने का जो मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज सी का है, मतलब ए का है. ए अपना प्रॉफिट को कम किया क्योंकि ए ने जो बी से शेयर परचेस किया था उससे उसको जो डिविडेंड मिलता था वो डिविडेंड एक्चुअली इसका प्रॉफिट का पार्ट है. और उसने क्या किया, सी लिमिटेड बोल के एक सब्सिडियरी बना लिया और उसमें उसका शेयर को, मतलब जो डिविडेंड का इनकम है उसको ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल दिखा के. तो ए लिमिटेड एक्चुअली, सी लिमिटेड वास्तव में कुछ करता ही नहीं है. सी लिमिटेड वास्तव में कुछ करता नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई ए का प्रॉफिट को कम करना है. ए का प्रॉफिट को रिड्यूस करना है.
लेकिन यहाँ पर ए और सी तो सेम है, जब बीच का पर्दा उठेगा तो ए और सी को एक ही माना जाएगा, तो अल्टीमेटली वर्कमैन का जो पेंशन है सॉरी बोनस है वो सी का जो अमाउंट वहां पर छुपाया गया है वो तो निकाला जाएगा ना। बात समझ में नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। इसका मतलब बी लिमिटेड जो है वो बिल्कुल एक सेपरेट कंपनी है जिसका इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बी का इसका कोई लेना देना नहीं है। मेनली यहाँ पर ए अपने वर्कमैन का बोनस कम करने के लिए एक सी कंपनी बना रहा है और अपना प्रॉफिट को कम शो करने के लिए सी के अकाउंट पे अपना पैसा को ट्रांसफर कर दे रहा है और सी का कैपिटल शो कर दे रहा है। बट सी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सी का कोई फंक्शन नहीं है। बेसिक काम मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ए का प्रॉफिट जो है उसको कम दिखाना ताकि वर्कमैन का बोनस कम देना पड़े। ठीक है, नीचे लिखा है आप पढ़ सकते हो। Here a company created a subsidiary and transferred to it its investment holding in a bid to reduce its liability to pay bonus to its workers. Thus the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company. ये जो A और C का जो separate existence था, ये actually क्या हो जाएगा? इसको हटाया जाएगा। A new company so formed had no assets of its own. इसका अपना कुछ नहीं है, except those transferred to it by principal company with no business or income. Of its own, इसका खुद का ना business है ना ही income है, except receiving dividends from shares transferred to it by the principal company, मतलब एक company, and serving no purpose except to reduce the gross profit for the principal company and so as to reduce the amount paid as to bonus to workmen. एकदम clear cut case में बोला हुआ है, interesting है ना? दिमाग देखो सर, इतना दिमाग अगर सही कम पे लगा था तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वही यही बात है सर, जिनके पास दिमाग है वो दिमाग का इस्तेमाल सही चीज़ पे नहीं करता और जिसके पास दिमाग नहीं है वो सही चीज़ पे लगाने के लिए पागल हो रहा है बट कर नहीं पा रहा है। ये भी दुनिया का किस्मत है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। एक कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर और ऑफ अनदर कंपनी एंड मे देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। Here the principal will be held liable for the acts of that company. समझाता हूँ सर, ऐसा एक केस भी हुआ था। In the case of Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission, 1982 का केस है। A transport company wanted to obtain license for its vehicles, but could not do so. एक transport company था, वो किसी vehicle चलाने का license मांग रहा था। बट उसके नाम पे अनदर लाइसेंस इशू नहीं हो रहा था, कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे कर रहा था तो नहीं हो रहा था। तो इसलिए क्योंकि उसके नाम पे लाइसेंस नहीं बन रहा था तो उसने किया क्या, इट देयरफॉर फॉर्मड ए सब्सिडियरी कंपनी, एक अलग कंपनी बनाया, एक अलग कंपनी बनाया, जो कंपनी उसी ने बनाया बट ऐसा दिखा के बनाया जैसे वो उसका नहीं है। एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वॉज मेड इन द नेम ऑफ द सब्सिडियरी। The vehicles were to be transferred to the subsidiary company. अब vehicle जो है वो subsidiary के नाम पर चल रहा है, इसमें क्या पता चला? The parent and the subsidiary were one commercial unit and the application for license was actually rejected. आप subsidiary क्यों form कर रहे हो? कोई business का help पाने के लिए। But आप एक ही इंसान हो, आप एक ही इंसान हो, आपका जो actual company है वो company और जो subsidiary है वो आप ही का है, तो लाइसेंस अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके सब्सिडियरी को कैसे मिल सकता है? बात समझ में आया सर? अरे सर अगर अगर ओनर डिफरेंट होता, मतलब जो अगर ओनर डिफरेंट होता, अगर ओनर डिफरेंट होता, जैसे बारे में चलो एक बात करते हैं, दो भाई है, ठीक है, चलो आपका आपके मन में सवाल समझ गया, ए एंड बी दो भाई है, टू ब्रदर्स, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ के चलो कि अनिल एंड मुकेश, ठीक है, चलो ए बी नहीं ए एम, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी दो भाई है, दोनों ये ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। अब दोनों ने सोचा कि एक अनदर लाइसेंस लेते हैं किसी व्हीकल्स के लिए, बट जैसे अप्लाई किया बोला नहीं, आप लोग तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको और लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। तो अनिल बोल रहा है, मुकेश बोल रहा है, ठीक है काम करते हैं, अनिल तुम्हारे नाम पे एक सब्सिडियरी बनाते हैं,
subsidiary form in the name of Anil. लेकिन सब्सिडरी कंपनी बनाओगे, कैपिटल कहां से लाओगे? बिजनेस जो शो करोगे, बिजनेस का कैपिटल वगैरह होगा ना, शेयर होल्डर होगा, सब्सक्राइबर होगा, yes. वो किसका होगा? पैसा कहां से आया? मेरा होगा, मुकेश के कंपनी से ही आएगा ना, जो उसका मेन कंपनी है, मतलब इनका जो जॉइंट कंपनी है वहीं से आएगा. तो अल्टीमेटली आपने जो सब्सिडरी बनाया वो उसी कंपनी का एक रेप्लिका है. तो अगर लाइसेंस अनिल एंड मुकेश का जॉइंट कंपनी को नहीं मिल सकता, तो सिर्फ अनिल के नाम पे सेम बिजनेस से बना हुआ कैपिटल से सब्सिडरी को कैसे मिल सकता है, चाहे नाम किसी का भी हो? सोर्स तो वही है. तो ये प्रूव करना होगा कि अनिल जो है टोटली अलग अलग है, इसका कैपिटल का सोर्स भी अलग है, मैंने इसको लोन दिया है, ऐसा करके कर सकता है. तब पूरा इसका आइडेंटिटी बदलना पड़ेगा आपको, तब वो सब्सिडरी नहीं करेगा, सब्सिडरी नहीं होगा. मतलब सब्सिडरी है तो फिर नहीं होगा, और सब्सिडरी तभी बन सकता है जब उसमें 51% स्टेक हो. और 51% स्टेक अगर किसी के पास है तो फिर उसको भी नहीं मिलेगा, चाहे वो अलग नाम पे भी क्यों ना करे. मतलब हर एंगल से फंसेगा, नहीं हो सकता. नहीं होगा तो नहीं होगा, एकमात्र तब हो सकता है जब अनिल टोटली अलग लेवल पे निकल के बिजनेस करे, सब्सिडरी वगैरह से नहीं मिलेगा. क्लियर हुआ बात सर? तो मतलब उसको कमर्शियल लाइसेंस नहीं मिलेगा. हाँ, मतलब बेसिक बात है कि जो व्हीकल्स है उसका लाइसेंस के लिए इसने अप्लाई किया, तो हो सकता है कि ऑन दैट टाइम वो गाड़ी का लाइसेंस या फिर वो पर्टिकुलर बिजनेस का लाइसेंस एक ही बिजनेस को एक ही मिल सकता है. ये कंट्री का रूल्स हो ही सकता है. तो आपको दो दो लाइसेंस चाहिए ताकि आप दूसरा और जगह में वेंचर बना सकते हो, आपका आपका नजरिया कुछ ऐसा है. लेकिन कंट्री का रूल्स है कि भाई एक ही लाइसेंस मिलेगा एक ही कंपनी को, या फिर उसके रिलेटेड किसी भी सब्सिडियरी को एक ही लाइसेंस मिलेगा. सेम कंपनी रिलेटेड में एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं दे सकते. ये कंट्री का रूल्स है, स्टेट का रूल्स है. हो सकता है ऐसा होता भी है, ऐसे बहुत सारा रूल्स होता है. होता है कि नहीं होता? अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. जैसे मानो कि ऐसे होता है कि घर में किसी एक ही को लोन मिलेगा, ऐसे इस तरह का होता है कि आपके घर में किसी एक ही इंसान को लोन मिल सकता है, सबके नाम पर लोन नहीं निकल सकता. इस तरह का बहुत सारा वेराइटीज ऑफ रूल्स गवर्नमेंट का होता है. तो ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट का मान के चलो. ठीक है, ये वाला केस भी देख लो. कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट और टू डिफीट लॉ. आपने कंपनी बनाया फ्रॉड करने के लिए ही, या फिर इम्प्रॉपर कुछ काम करने के लिए, या फिर लॉ को डिफीट करने के लिए. वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एडॉप्टेड फॉर सम इनलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, फॉर एग्जाम्पल टू डिफीट और सरकमवेंट लॉ, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन. गिलफोर्ड मोटर वर्सेज हॉर्नी. ठीक है, डिटेल्स केस स्टडीज विकिपीडिया में है, मिल जाएगा, गो थ्रू करना, रिसर्च सर्वे कर लेना. ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, जो जो इम्पोर्टेंट केस था आपके साथ डिस्कस किया. तो अल्टीमेटली समरी क्या निकला कॉर्पोरेट वेल लिफ्टेड का? ट्रेडिंग विद एनिमी होगा, जैसे वो जर्मन वर्सेस जर्मनी का जो कॉन्सेप्ट था, यूके जर्मनी का, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा, बीच का पर्दा उठा देना. फिर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेड और सरकमवेंट टैक्सेस, बीच का पर्दा उठा देना. फिर कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडरीज टू एक्ट एज देयर एजेंट, बीच का पर्दा उठा देना. टू अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशंस, बीच का पर्दा उठा देना. वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडेप्टेड टू इन सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, अगेन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल. ठीक है सर, ऐसा नहीं. हाँ बोलो सर. अगर मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, तो उसके बाद में उसने मेरे पे केस कर दिया, तो फिर इसमें उठ सकता है? ये तो कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाएगा. तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच कर दिया, उसके बाद उसने मेरे पे केस कर दिया, तो हम बोलेंगे से कंपनी अलग और मैं अलग, तो फिर हाँ उठ जाएगा एकदम. मतलब तुमने तुम्हारी कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो तुम्हारे कंपनी के नाम पे केस किया. हाँ, तो कंपनी का ओनर कौन है? तो ये कौन सा केस हो गया? ये कौन सा केस हो गया? वेल द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, या फिर किसी को फ्रॉड कर रहे हो आप, या फिर टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कोई भी केस आ सकता है. आप ब्रिज क्यों किए? ब्रिज लोग तभी करता है जब कोई ऑब्लिगेशन मेंटेन नहीं करना चाहता,
कुछ पेमेंट करना था वो नहीं किया, ठीक है, ऐसी ऐसी केसेस में नॉर्मली वो ब्रिज करता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़े क्यों? तोड़ोगे तो फिर आपको ही पकड़े जाएगा ना सर। अगर सर अगर ओनर दूसरा होगा फिर मैं बाद में आ गया उसके बाद उसको जो किया उसको मालूम नहीं उसने कंप्लेंट की। ओनर दूसरा हो तीसरा हो, वो बोलते हैं ना सर एक चीज, कान हम बंगाली में हम लोग बोलते हैं कान टन ले माथा से, मतलब अगर हम आपका कान खींचेंगे तो सर आ ही जाएगा ना, क्या रे? यस सर। तो अगर ओनर दूसरा हो सर वैसे मेरे पे आ गया फिर उस पे जाएगा। हाँ, अगर मानो कि तुमने बोला कि मैं किसी और को बेच दिया, ठीक है, तो वो बोलेगा कि मैं विश्वजीत से खरीदा। yes. जब उस पर दबाव क्रिएट करेंगे, अरे भाई कौन सा जिहादी है कि नाम नहीं बताएगा? हाँ सर। yes, sir. कौन सा जिहादी है भाई? yes. हाँ बोलो। In the same case, like, शायद डील मैनेजर ने किया होगा, बट केस हुआ होगा ओनर पे क्योंकि ओनर ही कंपनी ओन करता है, तब वहां पर फंसे कौन? मैनेजर या ओनर? ओनर इज लायबल, ओनर इज लायबल हियर बेसिकली एज पर लॉ, एंड जो मैनेजर है उसका गिल्टी ओनर के साथ होगा, मतलब ओनर मैनेजर को देख लेगा और ओनर को लॉ देख लेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो सर नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट, मतलब कितना तरह का कंपनीज होता है, ठीक है, ये बहुत वाइटेड डिस्कशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, लंबा लिस्ट है, ठीक है, बहुत सारा बातें करना होगा आप लोगों से, ठीक है, कंपनी लॉ बेसिक्स में ढेर सारे चीज़ें हैं, बताते बताते मैं थक जाऊंगा, आप भी थक जाओगे, पर चीज़ें ख़त्म नहीं होगा। ओके सर, आज इतना ही है, आप लोग घर में अच्छे से थोड़ा सा घर में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा पढ़ो, पूजा का 3-4 दिन थोड़ा मस्ती ज़रूर करना, पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब भी होता है लोगों का। सर अभी छुट्टी रहेगा, आप लोगों को पता है ना, सबको एक बार फिर से याद दिला रहे हो, सर क्लास कल से ऑफ रहेगा, जितना सारा क्लासेस है सभी क्लासेस ऑफ रहेगा फ्रॉम दिस सैटरडे, मतलब टुमारो फिर से क्लास रीओपन होगा सर, दुर्गा पूजा के बाद जो संडे आएगा उसके बाद, मतलब मोस्ट प्रोबली फ्रॉम 18th October ऑनवर्ड सारा क्लासेस ओपन होगा, लेकिन इसके बीच में आप सभी को व्हाट्सएप के थ्रू से अपडेट किया जाएगा, अगर पहले भी क्लास ओपन होता है तो भी, अगर एक आध दिन इधर उधर भी होता है तो भी। ओके सर। सर बोलो सर। हेलो सर, कल रौनक भैया का भी क्लास रहेगा? हाँ हाँ, सभी क्लासेस आप रहेगा, रौनक भैया का क्लास भी, तो मैंने इसीलिए बोला सारा क्लास, रौनक भैया का जो कम्युनिकेशन का क्लास जिन लोगों का चलता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो क्लास भी ऑफ रहेगा, ठीक है, इसके बाद और क्लासेस ओपन होगा दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है सर? ओके सर। ओके सर, जिन लोगों का सामने एग्जाम है, हैप्पी दुर्गा पूजा। यस सर, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू सर, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा, नवरात्रि सर, एकदम सर, सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो राखी लगा। ओके सर, टाटा।